8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार के पक्ष में आदेश पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र के इस अध्यादेश के खिलाफ देश भर की विपक्षी पार्टियों को अपने पक्ष करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बीती 23 मई को मुलाकात कर अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल आज महाराष्ट्र के मुंबई में मातोश्री में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने अपना समर्थन देने की बात करते हुए कहा कि नौकरशाही पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य था, लोकतंत्र के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर गलत किया है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं। मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है, उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणे त्याला वटहुकूम अध्यादेश लाया, तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे, वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है, उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। वही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 साल लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से हमें दिल्ली को चलाने का अधिकार मिला था, लेकिन 8 दिनों के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर वो अधिकार वापस ले लिए। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए? जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे, तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। बता दें कि केंद्र सरकार का अध्यादेश राज्यसभा में पास ना हो इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं को अपने पक्ष में साधने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल को इसमें सफलता भी मिल रही है। अध्यादेश के खिलाफ अब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को बिहार सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और अब उद्धव ठाकरे का भी सपोर्ट मिल चुका है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बाकी के भी विपक्षी दल इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार का समर्थन करते हैं या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।